इंटरेस्टिंग पिटफुल फैक्ट दैट यू शुड नो बिफोर टेकिंग अ पिटबुल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मेक अस अप. एंजॉय द वीडियो. अगर आप एक डॉग लवर हैं, तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें. हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है. मेरा नाम है आदित्य और हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको पिटबुल्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे. दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विज खेलते हैं. क्वेश्चन है, अमेरिकन पिटबुल टेरियर का बाइट फोर्स कितना है? अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप इसका आंसर नहीं जानते तो हम इस वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर देंगे. दोस्तों, जब भी हम पिटबुल्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही ब्रीड आता है जो बहुत ही एग्रेसिव है और बहुत ही डेंजरस है. लेकिन पिटबुल्स चार अलग अलग टाइप की ब्रीड को बोला जाता है, जिनमें से एक है अमेरिकन पिटबुल टेरियर, एक है अमेरिकन बुली, एक है अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर और एक है बुल टेरियर. आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पिटबुल एक अमेरिकन बुली है जिसका नाम है हल्क. दोस्तों, पिटबुल्स को अमेरिका में नहीं बल्कि इंग्लैंड में डेवलप किया गया था 19th सेंचुरी के दौरान. ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग, जिन्हें बुल बेटिंग और डियर बेटिंग जैसे स्पोर्ट्स में यूज किया जाता था, उनको टेरियर डॉग्स के साथ क्रॉस किया गया. उसके बाद ये अमेरिका में लाए गए और पिटबुल्स की ब्रीड को 1991 में इंग्लैंड और वेल्स में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया. पिटबुल्स को लोग बहुत ही डेंजरस डॉग समझते हैं जो किसी पे भी अटैक कर देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. पिटबुल्स लोगों के लिए काफी फ्रेंडली होते हैं, लेकिन वो डॉग्स पे अटैक कर सकते हैं. मगर इससे बचने के लिए आपको पिटबुल्स को बचपन से ही अच्छे से सोशलाइज करना पड़ेगा दूसरे डॉग्स और एनिमल्स के साथ, ताकि ये उन पे अटैक ना करे. दोस्तों, पिटबुल के ईयर्स लंबे होते हैं और टिप से नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, लेकिन कुछ पिटबुल ओनर्स बचपन में इनके ईयर्स क्रॉप करवा देते हैं किसी रीजंस की वजह से. दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2 मिलियन से भी ज्यादा पिटबुल्स रहते हैं. दोस्तों, कहा जाता है कि पिटबुल्स का बाइट प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है और इनके लॉकिंग जॉज होते हैं, जो एक बार किसी को पकड़ ले तो दोबारा उनके मुंह से छूटता नहीं है. लेकिन 2008 में नेशनल ज्योग्राफिक ने 3 डॉग ब्रीड्स को लेके बाइट फोर्स का टेस्ट किया, जिसमें पिटबुल सबसे लास्ट में था और उसके ऊपर जर्मन शेपर्ड और सबसे ऊपर रॉटवाइलर था. पिटबुल को आज के टाइम में भी बहुत सी जगहों पे डॉग फाइटिंग के लिए यूज किया जाता है, और वो वहां पे तब तक लड़ते हैं जब तक उनमें से किसी एक की जान ना चली जाए. वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान डॉग्स की इमेजेस को अलग अलग कंट्रीज को सिंबलाइज करने के लिए यूज किया गया था, जहां जर्मनी के पास डैचशंड था, रशियंस के पास वुल्फहाउंड था, इंग्लैंड के पास बुलडॉग था और वहीं अमेरिका के पास अमेरिकन पिटबुल टेरियर था. दोस्तों, आज के टाइम में पिटबुल्स को भले ही लोग बहुत ही एग्रेसिव और डेंजरस डॉग समझते हो, लेकिन 20th सेंचुरी में पिटबुल्स को नैनी डॉग्स या फिर नर्स मेट कहा जाता था, क्योंकि पिटबुल्स उस टाइम बच्चों में भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे और पेरेंट्स इन डॉग्स पे ट्रस्ट करते थे कि ये डॉग्स कभी भी बच्चों को हार्म नहीं करेंगे. जो लोग पिटबुल्स को डॉग फाइट में यूज करते हैं वो कहते हैं कि पिटबुल्स को पेन फील नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल गलत है. पिटबुल्स को भी बाकी डॉग्स की तरह पेन फील होता है, लेकिन जो उनका ओनर उन्हें बोलता है वो उस काम में इतने फोकस्ड होते हैं कि वो पेन फील नहीं करते. दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिकन पिटबुल टेरियर का बाइट फोर्स कितना है, जिसका आंसर है अमेरिकन पिटबुल टेरियर का बाइट फोर्स 235 pounds पर स्क्वायर इंच है. तो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स पिटबुल के बारे में. और ऐसे डॉग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे. जय हिंद.